अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम के 6 महत्वपूर्ण लोगों की घोषणा कर दी है, जिसके साथ ही अमेरिका में बाइडेन सरकार की रूपरेखा अब थोड़ी साफ होती जा रही है। बाइडेन की नई टीम कुछ इस तरह से नजर आएगी। एंटी ब्लिकेन, विदेश मंत्री। जॉन कैरी, जलवायु परिवर्तन पर दूत। एवरिल हेंस, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। एलेजांड्रो मेरुकास, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी। जेक सुलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत। बाइडेन ने अपनी टीम के सुपर 6 साथियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका इज बैक, अमेरिका दुनिया की अगुवाई के लिए तैयार है, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। वहीं नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के पद के लिए एवरिल हेंस का नाम चल रहा है। अगर इस बात की पुष्टि हो गई तो वह इंटेलिजेंस विभाग को संभालने वाली अमेरिका की पहली महिला होंगी। हालांकि इस बात को लेकर आशंकाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं कि मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दें। 3 नवंबर को हुई वोटिंग में वो लगातार धांधली का आरोप लगाते रहे हैं।